हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गार्गी व्लॉग्स वंडर बॉक्स। टुडे इज़ वेरी स्पेशल डे, टुडे इज़ 14 अगस्त, और आज जो है किसी का बर्थडे है, इस वजह से आज हम बाहर डिनर करने आए हुए हैं। और किसका बर्थडे है आप जानना चाहते हैं? वैसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका बर्थडे है उसकी स्माइल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज किसका बर्थडे है। सो आज मेरी वाइफ गार्गी, इसका बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आपको बहुत सारे। और इसी वजह से आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं बड़ीज़ कैफ़े में, और ये है न्यू सायर रोड पे। इसका डिटेल वगैरह डेफिनेटली हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल कैफ़े, और ये हमारे घर से बहुत पास में है। हम अक्सर देखा करते थे कि हाँ, यहाँ पे इट्स देयर इज़ अ कैफ़े और काफ़ी हैपनिंग प्लेस है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ वगैरह रहती है। तो हमारा काफ़ी टाइम से मन था कि हम आएँगे। सो आज का मेरा नहीं पता था कि आज ये मुझे यहाँ पे लेकर आने वाला है। सडनली ही जस्ट गिव मी अ कॉल व्हेन आई वाज इन द ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड सेड कि आज शाम को टाइम पे आ जाना, और फिर आकर के विल गो समवेयर। तो इससे पहले कि आपको इस कैफ़े के बारे में हम और कुछ भी बताएं, और आज इस डे में आज हम क्या क्या ऑर्डर करेंगे, क्या क्या खाएंगे, उससे पहले आपको इस जो कैफ़े है इसका टूर कराते हैं। चलिए। हियर इज़ द मेन्यू, और यहाँ की जो स्पेशलिटी है दैट इज़ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, अमेरिकन, मैक्सिकन, फ्रेंच, एंड लॉट्स ऑफ शेक्स, जूसेस, मॉकटेल्स, स्मूदीज, बेवरेजेस आर देयर। एंड इन फूड वी कैन सी सूप, स्टार्टर्स, ओके, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, सैंडविचेस, रैप्स, ओके, ग्रेट, रैप्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर, चाइनीज, इंडियन, इंडियन ब्रेड्स, पराठा एंड सो ऑन। सो क्योंकि बर्थडे मेरा है तो डेफिनेटली मेरे चॉइस का मेन्यू होना है। तो हमने सोचा है कि इतने सारे सुंदर अच्छे 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 डिशेज में से हमने जो चूज़ किया, दैट इज़ गोइंग टू बी अ चाइनीज सिज़लर, चाइनीज सिज़लर एंड वैनिश पिज़्ज़ा। वैनिश्ड पिज़्ज़ा, आई नेवर हर्ड द नेम बिफोर। बिल्कुल, और मज़े वाली बात यह है कि ये दोनों जो डिश है ये अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं मेन्यू में, अभी ये जस्ट इंट्रोड्यूस होंगे, और हम शायद पहले कस्टमर हैं जो यकीनन हम पहले कस्टमर हैं जो इन दोनों डिशेस को ट्राई करने वाले इनके यहाँ। उसके बाद ये कुछ ही दिनों के बाद ये मेन्यू में आपके आ जाएगा। अगर आप लोग आते हैं तो आपको कुछ दिनों के बाद ही मेन्यू में मिल जाएगा। बिल्कुल, तो हम सबसे पहले कस्टमर होने वाले इनके, इन दोनों डिशेस को ट्राई करने वाले, और हम इनको खा के आपको बताएंगे कि ये खाने में कैसे हैं। पहले देखते हैं बनता कैसा है। राइट। Thank you.
सो फाइनली हमारे दोनों डिशेज आ चुके हैं, आर वैनिश्ड पिज्ज़ा एंड आर चाइनीज सिज़लर। और ये जो इनका पिज़्ज़ा है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नया, इसकी खास बात पता है आपको क्या है? जब मैंने इनको किचन में बनते हुए देखा था, जो जब इसके बेस के ऊपर आप पिज़्ज़ा सॉस लगाते हैं ना घर की, हाँ, इन्होंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस के अलावा इन्होंने जो लिक्विड चीज़ होता है उसको भी मिक्स करके इन्होंने इसका बेस बनाया है पूरा। वाओ, इट्स तो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि आज तक मैंने इस तरह का डिफरेंट देखा नहीं है, ठीक है। हाँ। और साथ में इन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर जो है जो चीज़ होता है, जो लिक्विड चीज़ होता है, उसका इन्होंने एक लेयर बना दिया है। Okay, so, so means it's very cheesy, going to be very cheesy and very yummy, I'm sure. और चाइनीज सिज़लर तो पता ही है कि तो होता ही है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है, वेज में ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, फर्स्ट टाइम है, हम फर्स्ट कस्टमर हैं हम जो खा रहे हैं, बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। पिज़्ज़ा तो देखते ही ऑसम लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट है, तो सीरियसली दोनों चीज़ें मेरी फेवरेट है, तो मेरे को वैसे ही मेरी तरफ से तो वैसे ही 10/10 है, बट बाकी टेस्ट हम डेफिनेटली आपको बताएंगे अभी थोड़ी सी देर। चलो क्रस्ट है बेस इसका, एग्जैक्टली थिन क्रस्ट बेस, लॉट्स ऑफ चीज, वेरी यमी। देखने में इसको डेफिनेटली 10/10, टेस्ट में भी इसको 10/10। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ डिशेस ऐसी होती हैं जिनका प्रिपरेशन देखकर और जिनका खाना मतलब जिनका जो डेकोरेशन होता है वो देखते ही पता चल जाता है कि वो कितना टेस्टी है। राइट इसके साथ भी वही चीज़ है। राइट pizza, it's time to try the sizzler, and as always it's loving. Sizzlers to वैसे भी मेरा all time favorite है, but it's really very delicious. आप ज़रूर से यहाँ पे आके दोनों dishes को तो for sure try करिए। लेकिन मैं honestly कहूँ मुझे sizzler पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा fan हूँ sizzler का। Basically he likes sizzler, but he likes non-veg sizzler more than the veg one. लेकिन veg non-veg sizzler हुआ, veg non-veg दोनों चलेगा। लेकिन गाइस की पता है क्या है, मुझे कमी महसूस नहीं हो रही किसी चीज़ की। That's the best part. मुझे बहुत ही टेस्ट लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा है इसका, क्योंकि मैं इसका बनाने का प्रिपरेशन भी देख के आया हूँ ना। तो एक चीज़ और बहुत अच्छी बात है कि ये हाइजीन का भी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई बिल्कुल क्लीन, इनका किचन बिल्कुल साफ है, बहुत अच्छा है इनका काम। जबकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं खाना खाने के लिए, तब हमें कई बार पता नहीं होता, खुद के घर का तो पता होता है कि हाँ हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीज़ों की क्लीनिंग रख रहे हैं प्रॉपर, लेकिन जब हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि वहाँ का हाइजीन कैसे मेंटेन है, क्योंकि बारिश का भी टाइम है। एग्जैक्टली, सो दिस इज़ रियली, हमको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो खा रहे हैं कहीं उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना हो जाए हमारी हेल्थ पे। तो हाइजीन रियली मैटर्स अ लॉट व्हेन इट कम्स टू कैफे और रेस्टोरेंट्स और होटल्स में, तो ये सीरियसली बहुत मैटर करता है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दे आर अवेलेबल इन जोमेटो ऑल्सो एंड स्विगी ऑल्सो। अगर आप लोग बारिश का टाइम है, बारिश का मौसम है, अगर आप लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हालांकि आप लोगों को यहाँ आना चाहिए क्योंकि इनका जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। सीरियसली एंबियंस इज़ वेरी कूल। बिल्कुल, लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप स्विगी है, जोमेटो है, ऑर्डर कर सकते हैं। और एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो मुझे पता चली अभी कि अगर आपके घर में पार्टी है, फंक्शन है, शादी है, कुछ भी है, तो दे प्रोवाइड केटरिंग सर्विस ऑल्सो। और केटरिंग सर्विस के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स जैसे कि मैंने बताया था मैं आपको दे ही दूँगा। सो खाने के साथ में लास्ट में दिस इज द ड्रिंक दे हैव सर्व्ड अस, दिस पाइनएप्पल स्पार्कल। ओके, और लेट मी ट्राई दिस। वाओ,
इसमें पता है एक खास बात ये है, इसमें तुम देख रहे हो कि मिंट को गार्निश किया गया है, लेकिन सिर्फ इसमें गार्निश नहीं किया है, बाकायदा मिंट को इसके साथ में ब्लेंड किया गया है और पाइनएप्पल और मिंट का एक बहुत ही बहुत अलग सा एक स्ट्रेंज सा एक टेस्ट आ रहा है इसमें, बट दैट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी वेरी नाइस। मतलब इट्स वेरी हार्ड टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। पता है गार्गी, अगर कोई भी यहाँ पे आता है और ये पीता है ना, तो मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट टाइम जाएगा तो यही ऑर्डर करेगा। राइट, कम से कम हम तो यही करने वाले हैं। ये एडिक्शन की तरह है बिल्कुल। ट्रू। सो ये कुछ डिशेस थी जो अभी तक इन्होंने जो है अपने मेन्यू में लाए नहीं है। हम फर्स्ट हैं जो ये सब खा रहे हैं, हमने वाकई में बहुत अच्छा लगा है और हमको लगता है कि फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छा, और हमको लगता है कि ये मेन्यू में तो ज़रूर आना चाहिए और ऑब्वियसली आएगा ही कुछ ही दिनों में ही। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इसको मेन्यू में देख पाएंगे। इन मेन्यूज़ के नाम में फिर से आपको, अगर आप भूल जाएँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख वापस से मैं इनको बता दूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने आज खाई थी। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम में विज़िट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा यूनिक फूड है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम में शेयर भी कर सकते हैं, हमको टैग भी कर सकते हैं। प्लीज़ मेक श्योर रहना कि घर पे बनाया हुआ कोई खाना मत शेयर करिएगा, वही शेयर करिएगा जो आपने बाहर एक्सपीरियंस किया है और जो यूनिक है बिल्कुल का बिल्कुल। ठीक है, अगर आपका जो कंसेप्ट है या फिर आपका जो डिश है हमको बहुत अच्छा लगा तो मे बी उसको हम अपने वीडियो में शेयर जरूर करेंगे और हो सकता है आपके साथ शेयर करेंगे हम उस वीडियो को। डेफिनेटली। ओके, सो इसी के साथ प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन एवरी टाइम वी विल अपलोड अ न्यू वीडियो। और हाँ, एक और चीज़, एक अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो बताना भूल गया कि हमारा एक बहुत लॉन्ग टाइम से अवेटेड प्लान था जो कि फाइनली कल एग्जीक्यूट होने वाला है। आपको स्टोरी में पता चल जाएगा। राइट, अगर आपको जानना है कि वो प्लान क्या था और हमारे अपकमिंग वीडियोज किस चीज़ पे, किस टॉपिक पे बेस्ड है, तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे। थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ, टूर पे है। चलो ठीक है, इतना तो बता ही देते हैं। बेसिकली इट्स अ ट्रैवल व्लॉग जो कि बहुत ही लॉन्ग अवेटेड वीडियो था। आफ्टर दिसंबर हम लोग फाइनली वी गॉट द चांस टू गो समवेयर। सो हम कहाँ जा रहे हैं ये तो आपको कल पता चलेगा, लेकिन उसके लिए आप हमें मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, नीचे भी आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, नीचे भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड शेयर विद अदर्स ऑल्सो। बिल्कुल, आप लोगों को पसंद आता है वीडियो लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी गलत बात है ये, शेयर करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, मेरा बर्थडे स्पेशल है यार, प्लीज़ इसके लिए तो करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर भी जो है सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। ओके, तो इसी के साथ बाय बाय।